स्मरण किया सरे अचिंत्या का। आज जिस घट में तुलसी बसे पल पल आतुया रो मिटे संकट कटे सिद्ध हुए सबका कंटालिए वाले की कंटालिए वाले की कुछ अजब कहानी है मर्दानी 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 सिरियारी यह अमर निशानी है मर्दानी सिरियारी यह अमर निशानी है कंटालिए वाले की कंटालिए वाले की कुछ अजब कहानी है मर्दानी 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 सिरियारी यह अमर निशानी है। स्वामी जी की महिमा किससे अनजानी है स्वामी जी की महिमा किससे अनजानी है संत भिकण जी की रचना वरदानी है भिकण जी की रचना वरदानी है मेरे सांवरिये की छवि किससे छानी है मेरे सांवरिये की छवि किससे छानी है बगड़ी की छतरी में शमशान समीक्षा की बगड़ी की धरती में शमशान समीक्षा की अंधेरी ओरी में निर्भीक परीक्षा दी अंधेरी ओरी में निर्भीक परीक्षा दी हे प्रभो पंथ तेरा बलिदानी है हे प्रभु पंथ तेरा रंगत बलिदानी है मर्दानी 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 सिरियारी यह अमर निशानी है। सुनिए आचारहीनता को खुला ललकारा था आचारहीनता को खुला ललकारा था मर्यादा जो तोड़े उसको फटकारा था मर्यादा जो तोड़े उसको फटकारा था हम शिष्य एक गुरु के हो हम शिष्य एक गुरु के हम शिष्य एक गुरु के असली कुर्बानी है हम शिष्य एक गुरु के असली कुर्बानी है मर्दानी 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 सिरियारी
यह अमर निशानी है। मुझको यदि कोई पूछे वह क्रांति तूफानी थी, मुझको यदि कोई पूछे वह क्रांति तूफानी थी। उस सांवरी सूरत में ताकत रूहानी थी, उस सांवरी सूरत में ताकत रूहानी थी। निष्पक्ष लक्ष्य पे भी हो परवानी है, मर्दानी 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 सिरियारी यह अमर निशानी है। इतनी क्या जल्दी थी, थोड़ा सा रुक जाते। इतनी क्या जल्दी थी, थोड़ा सा रुक जाते। हम साथ अगर होते कुछ करके दिखलाते, हम साथ अगर होते कुछ करके दिखलाते। सागर पर बाबे की मैं घर पानी है। मर्दानी 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 सिरियारी यह अमर निशानी है। मर्दानी सिरियारी यह अमर निशानी है। कंतालिए वाले की, कंतालिए वाले की कुछ अजब कहानी है। मर्दानी 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 सिरियारी यह अमर निशानी है। उठाने झाला रे बुलावा, झाला दे रे बुलावा, जा जम पलकारी पीछावा, कुम कुम पगल्या शो पधरावा। आओ स्वामी जी, आओ स्वामी जी, आओ स्वामी जी, स्वामी जी, आओ स्वामी जी। अथारी पल पल रतन लगावा, अथारी पल पल रतन लगावा, पल पल छिन छिन पल पल जावा, थारी गौरव गाथा गावा। कुम पकल्या शो पधरावा, आवो स्वामी जी, आवो स्वामी जी, आवो स्वामी जी। थारा नाम लिया बल जागे, थारा नाम लिया बल जागे, अर भय घड़को भड़को भागे, दम थे हो सागे। आओ स्वामी जी, उदाने हर दम थे हो सागे। आओ स्वामी जी, थाने झाला देर बुलावा, जा जम पलकारी बिछावा,
कुम कुम पगल्या शो पधरावा आओ स्वामी जी आओ स्वामी जी आओ स्वामी जी ओ तेरस रा दिन पावन आया मन आनंद घन लहरायो आओ स्वामी जी ओ जन मन आनंद घन लहरायो आओ स्वामी जी ओ थाने झाला देर बुलावा जा जम पलकारी बिछावा कुम कुम पगल्या शु पधरावा आओ स्वामी जी आओ स्वामी जी ओ आओ स्वामी जी बोलो क्रांतिकारी वीर भिक्षु की डाकलिया बंधु जब आचार्य भिक्षु को आमंत्रित करते हैं तो ऐसा लगता है कि भिक्षु आराध्यम में भिक्षु पधार चुके हैं और जब भिक्षु आराध्यम में स्वयं भिक्षु की प्रस्तुति के समक्ष जब भक्त गण गाते हैं तो आचार्य भिक्षु को रीझना पड़ता है और आचार्य भिक्षु स्वयं यहां आकर हम सबको दर्शन देकर क्या कहते हैं कि भिक्षु के दरबार में जो भी आता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है, विघ्न बाधाएं टलती है, हर कार्य मंगलकारी होता है। डाकलिया बंधु तीन बंधु मिलकर जोशीले अंदाज में अपने गीत गाते हैं और एक छोटा सा कलाकार या ऐसा भी उपस्थित है जिसकी जोशीली आवाज से ऐसा लगता है कि सीरियारी का कण कण गुंजायमान हो जाता है। मैं आमंत्रित करूं आप सबकी सहमति से उस कलाकार को, क्योंकि वो कलाकार आप सबका चाहता कलाकार है, भीलवाड़ा से आता है और जिसका नाम है ऋषि दुक्कड़। हेलो बंते, आराध्य देव के चरणों में वंदन। अत्र विराजित मणिवृंद के चरणों में वंदना। शीश नमा अरिहंत को सिद्ध करो प्रणाम। शीश नमा अरिहंत को सिद्ध करो प्रणाम। उपाध्याय आचार्य का ले सुखकारी नाम। कि सर्व साधु सरस्वती जिन मंदिर सुख का पंच परमेष्ठी भगवान को मन मंदिर में धार, मन मंदिर में धार। आज 217वें भिक्षु चरमोत्सव पर एक बिल्कुल नए गीत के साथ महामना भिक्षु के चरणों में स्मरणांजलि अर्पित करता हूं। ओ बाबा भिक्षु तारण हार थारी रू रू में जयकार। बाबा भिक्षु तारण हार थारी रू रू में जयकार। भिक्षु नाम पियारो है ओ बाबा माने सबल सहारो है। ओ बाबा भिक्षु तारण हार बाबा भिक्षु तारण हार थारी रू रू में जयकार थारी रू रू में जयकार। भिक्षु नाम पियारो है ओ बाबा माने सबल सहारो है। मादी पारा नंदन थारो नाम बड़ो सुख का। माधी पारा नंदन थारो नाम बड़ो सुख का। भूत प्रेत डर भय सब भागे ना
नाम जप्या एक बार, भूत प्रेत डर भय सब भागे, नाम जप्या एक बार, हो माधि पारा नंदन थारो नाम बड़ो सुखकार, भूत प्रेत डर भय सब भागे, नाम जप्या एक बार, बोला था लाखा पर उपकार थारो भगता ने आधार, लाखा लाखा पर उपकार थारो भगता ने आधार, भिक्षु नाम प्यारो है ओ बाबा माने सबल सहारो है, ओ बाबा भिक्षु तारण हार थारी रूरो में जयकार, भिक्षु नाम प्यारो है ओ बाबा माने सबल सहारो है, दर्शन देवन शोभ जी ने पहुंचा कारागार, दर्शन देवन शोभ जी ने पहुंचा कारागार, टूटा तारा और हथकड़ा महिमा अपरंपार, टूटा तारा और हथकड़ा महिमा अपरंपार, महामना भिक्षु के चार प्रमुख श्रावकों में एक शोभ जी कोठारी जिनका गोत्र चौरड़िया, शोभ जी प्रायः महामना भिक्षु के 5 से 10 दिनों में दर्शन कर लिया करते थे, पर एक ऐसा समय आया जब शोभ जी को कारागार में डाल दिया गया और उस समय महामना भिक्षु मेवाड़ में विचर रहे थे। कुछ समय इंतजार किया, जब 5-10 दिन बीत गए तो सोचा कि इस बार शोभा ने मेरे दर्शन नहीं किए, तो चलो संतो हम सभी चलते हैं और शोभ जी को नाथद्वारा में दर्शन देके आते हैं। महामना भिक्षु नाथद्वारा के उस धरा पर पहुंचे, वहां किसी श्रावक से पता चला कि शोभ जी को तो जेल में डाल दिया है। महामना भिक्षु भी जेल में पहुंचे, उस वक्त शोभ जी कुछ रचना कर रहे थे, स्वामी जी का किण विद दर्शन हो। महामना भिक्षु ने बाहर से आवाज लगाई कि ए शोभे इण विद दर्शन हो, तो दर्शन देवन शोभ जी ने पहुंचा कारागार, दर्शन देवन शोभ जी ने पहुंचा कारागार, टूटा तारा और हथकड़ा महिमा अपरंपार, हो टूटा तारा और हथकड़ा महिमा अपरंपार, रखे हो करुणारा भंडार काट्या संकट थे हर बार, थे हो करुणारा भंडार काट्या संकट थे हर बार, भिक्षु नाम प्यारो है ओ बाबा माने सबल सहारो है, ओ बाबा भिक्षु तारण हार थारी रूरो में जयकार, भिक्षु नाम प्यारो है ओ बाबा माने सबल सहारो है। आप सभी से इस एक पंक्ति के लिए निवेदन कि सभी मेरे साथ इस पंक्ति का संगान करें, ओ भिक्षु नाम प्यारो है ओ बाबा माने सबल, ओ बाबा माने सबल, ओ बाबा भिक्षु तारण हार थारी रूरो में जयकार, भिक्षु नाम प्यारो है ओ बाबा माने सबल सहारो है, काठा में जन्मा भिक्षु अंतिम अनशन सिरियारी,
काठा में जनना भिक्षु अंतिम अनशन सिर अरे तेरस पे भिक्षु भक्तारी श्रद्धा भक्ति भारी तेरस पे भिक्षु भक्तारी श्रद्धा भक्ति भारी वो हो काठा में जनना भिक्षु अंतिम अनशन सिर अरे तेरस पे भिक्षु भक्तारी श्रद्धा भक्ति बारी ओ ओम भिक्षु में रत नर नार संजय कण कण में गुंजार ओम भिक्षु में रत नर नार संजय कण कण में गुंजार भिक्षु नाम प्यारो है ओ बाबा माने सबल सहारो है भिक्षु तारण हार थारी रू रू में जयकार बाबा भिक्षु तारण हार थारी रू रू में जयकार भिक्षु नाम प्यारो है ओ बाबा माने जिस जिसको स्वामी जी का सहारा हो कृपया वो एक पंक्ति मेरे साथ जरूर गाए ओ भिक्षु नाम प्यारो है ओ बाबा माने सबल ओ बाबा माने ओ बाबा भिक्षु तारण हार थारी रू रू में जयकार भिक्षु नाम प्यारो है कि धन्य हो गया नगर जोधपुर धन्य हो गया नगर जोधपुर प्रस्कुटित हुआ एक अंकुर संयम के सच्चे अनुपालक संयम के सच्चे अनुपालक तेरह साधु तेरह श्रावक बैठे भक्ति भाव से भरकर कि बैठे भक्ति भाव से भरकर तज कर सारे हुई आडंबर किसी ने पूछा किसका पंथ इसका पंथ या उसका पंथ तेरा पंथ या मेरा पंथ तभी बोल उठा एक संत ना इसका पंथ ना उसका पंथ ना तेरा पंथ ना मेरा पंथ आलोकित नभ धरा दिगंत हे प्रभो यह तेरा पंथ शायद अपनी पुण्यवई का मिला है फल इस बार शायद अपनी पुण्यवई का मिला है फल इस बार हमें ये पंथ मिला है ये तेरा पंथ मिला है हमें ये पंथ मिला है ये तेरा पंथ मिला है शायद अपनी पुण्यवई का मिला है फल इस बार शायद अपनी पुण्यवई का मिला है फल इस बार हमें ये पंथ मिला है ये तेरा पंथ मिला है हमें ये पंथ मिला है ये तेरा पंथ मिला है आचार्य श्री रघुनाथ जी से अलग होने के बाद मामरा भिक्षु का पहला प्रवास जेत सिंह जी की छतरी जेत सिंह जी की छतरी पहला प्रवास था जेत सिंह जी की छतरी पहला प्रवास था फलेदार पंथ ऐसा किसे एहसास था फलेदार पंथ ऐसा किसे एहसास था सत्य शोध पर कदम बढ़ाए सत्य शोध पर कदम बढ़ाए ले आगम आधार सत्य शोध पर कदम बढ़ाए ले आगम आधार हमारा भाग्य खिला है
कि भिक्षु संत मिला है हमारा भाग्य खिला है, कि भिक्षु संत मिला है शायद अपने पुण्य का मिला है पल इस बार हमें ये पंथ मिला है, ये तेरा पंथ मिला है हमें ये पंथ मिला है, ये तेरा पंथ मिला है। यहाँ स्टेज के पास किसी का भी अगर बच्चा खोया हो तो ये यहाँ रो रहा है, आप देख सकते हैं, स्टेज से आकर ले ले, स्टेज के पास है। विहार करते हुए अब चातुर्मास की बारी, चातुर्मास कहां करना है। विहार करते हुए महामना भिक्षु पहुंचे केलव गांव के बाहर, गांव के बाहर कुछ श्रावक खड़े थे, उनसे पूछा कि हम चातुर्मास कर सकें, कोई ऐसा छोटा मोटा स्थान हमें बता दीजिए। श्रावकों ने बहुत आनाकानी की, कुछ नहीं बताया और सोचा कि गांव में जो मंदिर है जिसमें यक्ष देव का प्रवास है, उन्हें इस मंदिर का ठिकाना बता देते हैं कि एक बार यहां जाएंगे फिर वापस कभी लौटेंगे नहीं। महामना भिक्षु ने पहुंचा, ठहरे जहां हम ऐसा बताओ ठिकाना, ठहरे जहां हम ऐसा बताओ ठिकाना, बहाने बनाए सबने कोई न माना, बहाने बनाए सबने कोई न माना, पर अंत में अंधे रियोरी का, अंत में अंधेरी ओरी का बता दिया था द्वार, अंत में अंधेरी ओरी का बता दिया था द्वार, हमें ये पंथ मिला है, ये तेरा पंथ मिला है हमें ये पंथ मिला है, ये तेरा पंथ मिला है शायद अपनी पुण्याई का मिला है पल इस बार हमें ये पंथ मिला है, ये तेरा। जिस जिसको भी लगता है कि हमारी पुण्याई रही होगी कि हमें तेरा पंथ धर्म संघ में जन्म लेने का मौका मिला, एक बार अपने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए शायद अपनी पुण्याई का मिला है पल इस बार हमें ये पंथ मिला है, ये तेरा पंथ मिला है हमें ये पंथ मिला है, ये तेरा पंथ मिला है। जैसा कि लोगों ने सोचा ठीक उसी प्रकार मध्यम रात्रि में संत भारी माल के चरणों में एक सर्प ने अपना फंदा डाल लिया। महामना भिक्षु ने देखा कि भारी माल जी अंधेरी ओरी के चौक में खड़े हैं। महामना भिक्षु वहां गए तो देखा पांव में तो किसी सर्प ने अपना फंदा बना रखा है। महामना भिक्षु ने नवकार मंत्र सुनाया, मंगल पाठ दिया और जैसे जैसे वो सर्प का फंदा खुलने लगा और अगले दिन का सूर्योदय हुआ तो क्या हुआ, सवेरा हुआ तो जीवित संतों को देखा, सवेरा हुआ तो जीवित संतों को देखा, करिश्मा हुआ कोई कैसे करे अनदेखा, करिश्मा हुआ कोई कैसे करे अनदेखा। उस घटना के बाद स्वामी जी के भक्त बन गए, स्वामी जी के भक्त बन गए संजय सब परिवार, स्वामी जी के भक्त बन गए संजय सब परिवार,
हमें ये पंथ मिला है, ये तेरा पंथ मिला है, हमें ये पंथ मिला है, ये तेरा पंथ मिला है। शायद अपनी पुण्याई का मिला है पल इस बार, शायद अपनी पुण्याई का मिला है पल इस बार, हमें ये पंथ मिला है ये तेरा। एक बार पीछे बैठे हुए लोगों से भी मेरा निवेदन कि एक साथ इस पंक्ति को जरूर संगान कीजिए, हमें ये पंथ मिला है ये तेरा, हमें ये पंथ मिला है। शायद अपनी पुण्याई का मिला है पल इस बार, हमें ये पंथ मिला है ये तेरा पंथ मिला है, हमें ये पंथ मिला है ये तेरा पंथ मिला है। बोलो क्रांतिकारी वीर भिक्षों की। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम विवांश है, उसके माता पिता कहीं खो गए हैं। बच्चा हाजिर है, माता पिता भी खोए हुए थे, अभी मिल गए हैं। बच्चे मिल जाते हैं और माता पिता खो जाते हैं, क्योंकि बच्चा हमारे पास सुरक्षित है। सभी ध्यान देंगे, किसी के माता पिता न खो जाएं, बच्चे का ध्यान देंगे। और मैं थोड़ी सी संस्थान की प्रक्रिया के लिए माइक सपोर्ट कर रहा हूं संस्थान के मंत्री भाई श्री निर्मल श्री श्री माल को। आज हमारे यहाँ हमारे लोकप्रिय विधायक मारवाड़ क्षेत्र से श्रीमान श्री खुशवीर सिंह जी यहाँ पर पधारे हैं। मैं सिरियारी संस्थान की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप स्वागत के क्रम में आप हमारे यहाँ पर पधारे। सदा संस्थान आपका आभारी रहेगा। इसी क्रम आप स्टेज पर पधारे और हम आपका सम्मान करना चाहते हैं और आपसे हम दो शब्द सुनना भी चाहते हैं। श्रीमान साहब खुशवीर सिंह जी साहब, सम्मान के छेद में निवेदन कर रहा हूं। अध्यक्ष साहब श्री ख्यालीलाल साहब तातेड और कोषाध्यक्ष श्रीमान श्री गौतम जी कोठारी, आप इनका सम्मान करें। आपका सम्मान कर रहे हैं श्रीमान सा ख्यालीलाल सतात, अध्यक्ष श्रीमान सा ख्यालीलाल सतातेड और कोषाध्यक्ष श्रीमान श्री गौतम जी कोठारी, हमारे लाडले विधायक श्रीमान श्री खुशवीर सिंह जी सा। मैं निवेदन करूं श्रीमान श्री खुशवीर सिंह जी साहब कि हमें आप दो शब्दों में हमें भी कुछ जरूर हमें कुछ अनुग्रहित करें और इस संस्थान के प्रति आपका प्रेम सदा उमड़ा रहे, यही मेरा आपसे निवेदन। आज के इस भव्य आयोजन के अवसर पर सर्वप्रथम हाल ही में संपन्न हुए पर्युषण पर्व पे मैं आप सब से मिच्छामि दुक्कड़म कहते हुए अपनी बात को प्रारंभ करूंगा।
सर्वप्रथम इस ऐतिहासिक धार्मिक इस काटा क्षेत्र में स्थित युग पुरुष आचार्य श्री भिक्षु के इस स्थली पर श्री हरि गांव में हमारे बीच में विराजमान संतगण के चरणों में नमन करता हुआ और आशीर्वाद यहीं से प्राप्त हुआ मुझे। मैं इस अवसर पर आचार्य श्री तुलसी से मेरी बात को प्रारंभ करूंगा। उससे पूर्व विराजमान हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब, हमारे संस्था के बहुत ही जुझारू और इस संस्था को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने वाले अध्यक्ष आदरणीय ख्यालीलाल साहब, समस्त पदाधिकारी गण, कार्यकारिणी, हमारे बीच में विराजमान आदरणीय भगवान सिंह जी भाटी साहब, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी साहब, आदरणीय हरि सिंह जी साहब, आदरणीय राजेंद्र सिंह जी युवा रावत राजपूत जिस कांठा में ये स्थित है उसके प्रदेश अध्यक्ष रहे राजेंद्र सिंह जी, इस गांव के उप सरपंच आदरणीय ऋषभ जी साहब, जोजावर गांव के उप सरपंच आदरणीय राकेश जी साहब और मेरे मेहरबान आदरणीय मुकुंद सिंह जी साहब जो इस संस्था में अपनी तन मन से सेवाएं दे रहे हैं, सम्मानित मंच। गुरुदेव, मेरा जीवन परिवर्तन, मैं आज आपको मेरे राज की बात बताना चाहता हूं और मैं संक्षिप्त में थोड़ा मेरा परिचय भी दे दूं आपको। राजनीति, मैं जोजावर राज परिवार से हूं, मेरे पिताश्री ने वो संस्कार हमें दिए हैं मेरे बचपन से ही। हम जब छोटे थे और कोई भी जैन संत का आगमन होता हमारे गांव में तो पूरे गांव को बाहर तक साथ पधारते और हमें साथ लेकर पूरा गांव उनको सच सम्मान के साथ गांव में प्रवेश करवाते। ये संस्कार मुझे मेरे परिवार से मिले। मैं जन्म से क्षत्रिय हूं लेकिन मैं कर्म से जैन हूं और मैं कर्मणा जैन हूं। मैं गर्व से कहता हूं क्योंकि मेरा जीवन परिवर्तन आचार्य श्री तुलसी जी ने वो जो आशीर्वाद जोजावर में अक्षय तृतीया पर जो कार्यक्रम था और उसमें जो मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे जीवन को परिवर्तन कर दिया, आज उसी का प्रतिफल है कि मैं राजनीति में आज जो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी उस ऊंचाइयों तक मैं पहुंचा हूं। मैंने गांव की प्रथम इकाई से लेकर पंचायत राज की प्रथम इकाई से लेकर प्रधान रहा, जिला प्रमुख रहा, राजस्थान जिला प्रमुख संघ का अध्यक्ष रहा, मैं विधायक रहा और राज्य वित्त आयोग का सदस्य भी रहा और दोबारा इस बार इस काठा और मारवाड़ की जनता ने खुशवीर सिंह को निर्दलीय विधायक के रूप में चुन के राजस्थान की विधानसभा में भेजा है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि जिस क्षेत्र से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं राजस्थान की विधानसभा में, वो क्षेत्र जहां मैं खड़ा हूं और जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं वो क्षेत्र आज विश्व की धरोहर है। उस युग पुरुष का वो निर्माण स्थल ही है यहां ये सिरियरी, जिन्होंने ये, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये मात्र भिक्षु समाधि स्थल ही मात्र जैन धर्म का आस्था स्थली नहीं है, ये सभी की आस्था स्थली है। आज 36 कौम वहां पे पहुंचती है, सभी की आस्था स्थली है। मैं इस अवसर पर जो एक विश्व धरोहर है, मेरा एक गुरुदेव, मेरा एक सपना है, मेरी कल्पना है और निश्चित रूप से आचार्य भिक्षु उसको पूरा करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे इतना आत्मविश्वास है। जिस तरह इस बाल भक्त ने कितनी श्रद्धा के साथ आचार्य भिक्षु के सामने अपनी समक्ष प्रस्तुति दी है
और उससे पूर्व दागलिया बंधुओं ने बहुत ही दिल से जोश से शानदार वो हमें खुद यहाँ बैठे सबको जोश आ गया था कितना समर्पण भाव अपने गुरुदेव के प्रति वो रखते हैं। मैं उनको बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, बधाई देना चाहूंगा कि वास्तव में आपकी जो आवाज निकल रही थी मुंह से नहीं निकल रही थी, आवाज आपके दिल से निकल रही थी, ये मैंने महसूस किया है। मैं इस अवसर पर मैं आपको कुछ अतीत में ले जाना चाहूंगा, यहां युवा शक्ति विराजमान है, मातृ शक्ति विराजमान है और दूर दूर से पधारे पूरे देश से यहां भक्तजन विराजमान है। मैं आपको कुछ अतीत में ले जाना चाहूंगा। आप जो यहां विराजमान है, जैन समाज ने इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया है, कुर्बानी दी है, इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जो त्याग और बलिदान दिया है, वो अद्वितीय है, वो हम भुला नहीं सकते हैं। संस्कार जो होते हैं साथियों, मैं बात आज संस्कारों पे करूंगा। मैं हाल ही में 3 दिन पहले बेंगलोर गया था और गुरुदेव के चरणों में मुझे भी आशीर्वाद मिला, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और 2 शब्द मैंने भी कहे थे। वह था युवा संस्कार शिविर लगा हुआ था, युवा संस्कार शिविर। साथियों, इस भौतिकवाद में आप अपने संस्कार को मत भूलना। आप किसी भी भाषा को बोलना, दुनिया की कोई भी वेशभूषा पहन लेना, लेकिन हमारे संस्कार, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी वेशभूषा, हमारे रीति रिवाज, हमारे तीज त्योहार, इसको कभी मत भूलना। युवा साथियों, चाहे कितने भी आप पैसे वाले क्यों नहीं हो जाए, आप कभी पैसों का अहम मत करना। मैंने कुछ लोगों को देखा है, अपने समाज के बंधु, उनको पैसों का अहम है। अरे अगर जैन है तो जैन को कभी पैसों का अहम नहीं हो सकता है। अगर ऐसे पैसों का अहम है तो वो जैन ही नहीं है। ये आज मैं कहता हूं दावे के साथ में। चाहे कितने ही गले में सोने की डाल दो, उससे पहचान नहीं होती है। पहचान होती है आपके समर्पण भाव से, आपकी राष्ट्रीयता से, और किस तरह से आप जीव दया पर और आप अहिंसा परमो धर्म का किस तरह अपना अपने हृदय गम करते हैं, उससे आपकी पहचान होती है। सोना पहनने से पहचान नहीं होती है, ये आडंबर है। इसलिए मैं आज कहना चाहूंगा, इस अवसर पर आपको अतीत में ले जाना चाहूंगा। इस मैं पश्चिमी राजस्थान की बात दावे के साथ कह सकता हूं। कमिश्नर साहब, हमारे SDM साहब नजर नहीं आ रहे, डिप्टी साहब, थानेदार साहब, जितने भी अधिकारी यहां विराजमान है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप अतीत में चले जाए 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 500 वर्ष, अगर इस देश के विकास की जो कल्पना 2 कुलों से हुई है और उनका दायित्व था उस वक्त एक क्षत्रिय कुल और एक जैन, आज एक भी गांव हमारे मारवाड़ का एक नाम बता दे कि वह जैन समाज द्वारा अपना अपना जो मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, उससे परोपकार के लिए नहीं लगा हुआ है, जिस गांव में बैठे हैं। चाहे अस्पताल ले लो, विद्यालय ले लो, आप प्याऊ ले लो, और कोई भी उस वक्त जरूरत थी कुओं और बावड़ियों की, तो जैन के बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने इस राष्ट्र के विकास के लिए अपना बहुत योगदान दिया, हम भुला नहीं सकते हैं। सरकारें भी आपके सामने नजरें टकटकाए बैठी है कि कोई भामाशाह निकल के आए और हमें मदद करे, और आज एक भी गांव वंचित नहीं रहा है कि जैन समाज के द्वारा उस गांव में विकास नहीं हुआ हो। कोई बता दे बंदा, मान जाऊं मैं उसको, जैन समाज का इस राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। और संस्कारों की जब बात करते हैं, आज तो हम सब कुछ कर लेंगे, आज देश को 70 वर्ष हुए विकास आजाद हुए, और इस 70 वर्षों में हम 2.5 कदम नहीं चल पाए। अगर हम आज 70 वर्षों का विकास देखें इस सरकार का और उससे पहले का विकास देखें, तुलना कर लीजिए, आपका विकास आगे रहेगा, और उस समय राजा महाराजाओं का किया हुआ विकास बहुत आगे है। किलोमीटरों में हॉस्पिटल राजाओं के द्वारा निर्मित हुए, आज बड़े बड़े बांध हुए, आज जो रेलवे है हमारी देश की, कमिश्नर साहब, राजाओं के काल में 54,000 किलोमीटर रेलवे का निर्माण हुआ था उन विषम परिस्थितियों में, और अब 70 सालों में मात्र 9,000 किलोमीटर हम रेलवे का विस्तार कर पाए। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा,
कि ये जो आचार्य श्री भिक्षु की जो ये आस्था स्थली है, ये मात्र जैन समाज की नहीं है। और मैं अब मेरी दिल की बात कहूंगा, गुरुदेव के चरणों में प्रस्तुत करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो मेरे समक्ष विराजमान है, मेरी मातृशक्ति विराजमान है, आप विराजमान है, हमारा एक ही ध्येय है, एक ही उद्देश्य है, एक ही मोटो है हमारा, अहिंसा परमो धर्म। क्या? अहिंसा परमो धर्म, जीव दया। और इसी पे कितना बड़ा आज धर्म खड़ा है। मैं उस क्षत्रिय कुल से आता हूं जो आज हमारे जितने भी जैन समाज के तीर्थंकर हुए, 2403 तीर्थंकर क्षत्रिय कुल से थे। और इस बात को मैंने राजस्थान की विधानसभा में भी रखी थी, अभी हाल ही में मैंने ये बात कही थी कि आज हम ईटी की जो बात करते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की जो बात करते हैं, वो उस वक्त आज से 2500 वर्ष पूर्व हो चुकी थी, उसका विकास हो चुका था। उस टेक्नोलॉजी की जानकारी उस वक्त के लोगों को थी, क्योंकि जब महावीर स्वामी का, वो राजा तो बन सकते थे, चक्रवर्ती राजा भी बन सकते थे, लेकिन तीर्थंकर नहीं बन सकते थे। उनका जन्म हो गया था किसी और की कोख में, और काक शत्रणी की कोख जब तक नहीं होगी, ये तीर्थंकर नहीं बन सकते हैं। और उस वक्त कोख परिवर्तन हुई थी, वो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी उस वक्त थी इस देश के अंदर, और उन्होंने जब शत्रणी के कोख में उनका परिवर्तन किया गया, तब वो तीर्थंकर कहलाए। मैं उस कुल से हूं, मैं आज मेरे दिल की बात कहना चाहूंगा। और ऐसे ऐसे जो मेरे समक्ष विराजमान है, मेरी बात को, एक एक बात को अक्षर अक्ष आप ग्रहण करेंगे, वो बात मैं आज कहना चाहूंगा। इस कांटा क्षेत्र के हमारे युवा विराजमान है, सभी मेरे साथी जो मेरे साथ बता रहे हैं, मैं ये बहुत बड़ी विश्व धरोहर है कमिश्नर साहब, ये मात्र सिरियारी तक या राजस्थान तक या हिंदुस्तान तक ही नहीं है। आज जो ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में, जहां पे भी जैन बंधु है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। बात यहां ही नहीं, आप इस हॉल की चार दीवारी तक अपने मस्तिष्क पटल पर मत समेट लेना। और ये आस्था स्थली सभी की है, आपके इस जैन समाज की ही नहीं है, ये सभी की आस्था स्थली है। और आपके समक्ष जो मेरे दिल की बात कहूंगा, अहिंसा परमो धर्म और जीव दया की जब बात करते हैं, तो आज इतनी बड़ी संस्था, जिस क्षेत्र से मैं प्रतिनिधित्व राजस्थान की विधानसभा में कर रहा हूं, आपको आने में जरूर तकलीफ हुई होगी, आपने सड़कों के हालात देख लिए, आपके कितनी तकलीफ हुई, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि मैं किस तरह आपके समक्ष होकर मेरा मुंह आपको दिखाऊं आज। लेकिन दावे के साथ कहता हूं, राजस्थान की विधानसभा में इस बात को मैंने रखा, और 2 मिनट के अंदर उप मुख्यमंत्री जी खड़े होकर कह दिया, जो हमारी लाइफ लाइन है, काली घाटी वाली जो सड़क है, वो 4 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी, डबल सड़क तैयार हो जाएगी। और अगली बार आप पधारेंगे तो ये स्टेट हाईवे सोजस से लगा के देसूरी तक आपको स्टेट हाईवे मिल जाएगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। मुझे विश्वास है, क्योंकि जनता ने मुझे काम के बदले चुना है, कोई जातिवाद के आधार पर वोट नहीं मिला, कोई पार्टी के आधार पर वोट नहीं मिला है, मेरे पास कोई सिंबल नहीं था। और लोकतंत्र के अंदर इस बार मारवाड़ की जनता ने दिखा दिया है, इस लोकतंत्र में कैसा पैसों के बलबूतों पे चुनाव लड़ा जाता है। बड़े बड़े धनाढ्य करोड़ों रुपए खर्च करने वाले चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन खुशवीर सिंह को तो जनता ने वोट भी दिए और नोट भी दिए, वोट और नोट दोनों दिए। जिस गांव से मैं गया, उस गांव में थैली भर भर के मुझे असरपीए दी, सोने की असरपी, वो मेरे लिए एक एक सिक्का जो था रुपए का, मेरे लिए असरपीए सोने की, स्वर्ण असरपीए। और जितने लोगों ने वो दिए, उनकी आस्था मेरे पूजा के अंदर आज भी पड़ी हुई है, और पूरे क्षेत्र ने मुझे गोद लिया है। कई लोग तो गांवों को गोद लेते हैं हमारे राजनेता, लेकिन मुझे मारवाड़ की क्षेत्र ने मुझे गोद लिया है, अपना बेटा बनाया मुझे। इसलिए बेटे का फर्ज होता है कि बेटा अपने माँ बाप के समक्ष कुछ भी मांग सकता, उसको अधिकार है। और आज जो विराजमान है, मैं आपका बेटा बनकर आपसे मांग रहा हूं, बेटा बनकर आपसे मांग रहा हूं। और मेरे ये दोनों हाथ जो फैलाए हैं, कभी खाली नहीं जाएंगे। आज मुझे आत्मविश्वास है आचार्य भिक्षु पे, आचार्य तुलसी जी पे मुझे आत्मविश्वास, क्योंकि उन्होंने मेरा जीवन परिवर्तन किया है।
मेरा जीवन परिवर्तन किया, मैं पहले किस और था और आज मैं कहां पहुंच गया हूं, वो उन्होंने मुझे जो महामंत्र दिया उसको मैंने हृदयंगम कर दिया था। और अब मेरी बात अध्यक्ष महोदय, दिल की बात मैं कहूंगा रखूंगा, और एक बेटा बन के आपसे मांग रहा हूं, मेरी मातृशक्ति विराजमान है, पिता तुल्य बुजुर्ग मेरे युवा शक्ति विराजमान है, क्या ये आस्था स्थली जो है यहां पे ऐसा रचनात्मक काम होना चाहिए, ऐसा रचनात्मक काम होना चाहिए, मेरे एक एक शब्द को आप दोनों कान से सुनना, इधर से इधर मत करना, ये आचार्य भिक्षु को मैं साक्षी रख कर बात कह रहा हूं और मेरे दिल की बात कह रहा हूं, मेरे हृदय के उद्गार है, मेरे होठों के उद्गार नहीं है, मेरे हृदय के उद्गार है ये। मैं चाहूं या जीव दया की जब हम बात करते हैं, और आपके सामने नहीं कहूंगा तो कहीं मैं सफल नहीं हो सकता हूं, सफलता मिलेगी तो यहीं से मिलेगी कि जीव दया की बात करते हैं। मैं जाता हूं सड़कों पे, कई दुर्घटना होती देखता हूं सड़कों पे, हमारी गाय दुर्घटनाग्रस्त हो जाती, रात को नजर नहीं आती है, और दुर्घटना में हमारा भाई भी चला जाता है, माँ भी चली जाती है उस दुर्घटना में, और वो अबोल जो प्राणी है वो भी उस दुर्घटना में चला जाता। मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, उस गैलरी वाला प्रयास कर रहा हूं जो सेतु बंधन में भगवान राम के उसने काम किया था, वो अपने शरीर पे पानी में भिगो भिगो कर जब सेतु बंधन हो रहा था श्रीलंका रामेश्वर से, उसने सोचा मैं क्या करूं मेरे राष्ट्र के लिए, या तो वानर भी काम कर रहे हैं, ऋक्ष राज भी काम कर रहे हैं, जीव जंतु सभी लगे हुए राष्ट्र की एकता के लिए, मैं क्या करूं। उस गिलहरी ने समुद्र में भीग भीग कर मिट्टी में होकर और जाके अपनी मिट्टी झाड़ के आती कि प्रभु श्री राम जो परसों में गया, गुरु महाराज ने मुझे जो उस दिन गुरु महाराज का प्रवचन था भगवान राम पे था, वो मुझे बहुत खुशी हुई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पे प्रवचन था कि त्याग उनसे सीखो और हम आपसे त्याग सीखते हैं, त्याग तपस्या आपसे हम सीखते हैं। तो मेरे तो वो गैलरी वाला छोटा सा अभिनव प्रयास है कि मैं आपके समक्ष रखूं कि आज जीव दया की बात करते हैं, दुर्घटनाएं होती है, मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूं कि गायों के सींगों के कभी रिफ्लेक्टर लगाता हूँ, रात को उतर के मेरे साथ गाड़ी में रखता हूँ ताकि रिफ्लेक्ट होती रहे लाइट से, गाय दिख जाए, किसी की दुर्घटना से मृत्यु नहीं हो, किसी अप्रिय घटना नहीं हो। मैं रेडियम पेंट भी रखता हूँ, अभी तक मुझे पूरा मिला नहीं, फिर भी हाईवे पे रात भर किलोमीटरों मेरे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर मैं घूमता हूँ और उनका रेडियम पेंट उनके सींगों के लगाता हूँ ताकि दूर से लाइट पड़ते ही गिरते ही वो नजर आ जाए। ये पूरी टीम मेरे साथ जो पधारे हुए मेरे कार्यकर्ता यहाँ विराजमान है, ये पूरी रात गाड़ियों में मेरे साथ हाईवे पर चलते हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि यहाँ एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर हो, बर्ड रेस्क्यू सेंटर हो, यहाँ पे बहुत बड़ी संस्था, विश्व की सबसे बड़ी संस्था है ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं, और इस संस्था के माध्यम से उनका संचालन हो, एनिमल रेस्क्यू सेंटर। वो अबोध प्राणी बोल नहीं सकते, वो मोर कह नहीं सकता कि मेरा एक पंख टूट गया है और मैं किसकी शरण में जाऊं, वो आचार्य भिक्षु की शरण में आना चाहते हैं। अगर ला सकते हो तो आप ले आओ उनको आचार्य भिक्षु की शरण में, आज मेरे हृदय के उद्गार है। आप ले आओ उन मूक प्राणियों को जो उनको कोई देखता न, उन अदृश्य प्राणियों को, हमारी वाइल्ड लाइफ, जब आप काली घाटी से उतरते हो जगह जगह आप बोर्ड देखे होंगे, पैंथर की तस्वीर लगी हुई, जंगली मुर्गों की तस्वीर लगी हुई, सांबर की तस्वीर लगी हुई है, अरे उनको कौन पानी पिलाएगा इस काल के अंदर। मैं इस राणावास के संत वो भीकम चंद जी को धन्यवाद देना चाहूंगा के राणावास में उन्होंने कभी गले में सोने की चैने नहीं पहनी, लेकिन उन्होंने उन वाइल्ड लाइफ के लिए उन्होंने वहां पानी की व्यवस्था की थी। मैं भीकम चंद जी सुराणा को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। मैं मूलचंद जी जो हमारे नहर है उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी इस काम के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाया। और एक और चाहूंगा आपसे इस जगह से, एक और चाहूंगा कि आप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हम उन प्रतिभावान हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे वहां एक जमीन देने के लिए तैयार है। पूरा गांव लालयत हो रहा है, एक स्टेडियम बन जाए, ट्रैक बन जाए, गेम जो स्पोर्ट्स की काम हो जाए। और दूसरा मेरी एक अंतिम मेरी बात है कि आज हम जो आज भौतिकवाद के अंदर हम सांस लेने के लिए घुटन महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे ऑक्सीजन की कमी है, पेड़ काटते जा रहे हैं, हमारे जंगल नष्ट होते जा रहे हैं,
तो उसको बचाने के लिए, हमारी धरोहर को बचाने के लिए अध्यक्ष साहब आप इस प्रस्ताव को रखो। मेरा प्रतिवेदन मैं भूल गया, मैं कल आपको प्रस्तुत करूंगा। राजेंद्र सिंह जी कह रहे थे, हमारी पूरी टीम कह रही थी कि आज गुरु महाराज के समक्ष अपना प्रतिवेदन रखिए। मैं भावना रख देता हूं, प्रतिवेदन से बड़ी भावना होती है। तो मैं चाहूंगा कि उन प्रतिभावान भाव जो हमारे है खिलाड़ी ग्रामीण क्षेत्र के, उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था करो हिंदुस्तान में देखने के लिए वहां पहुंचे। और दूसरा पर्यावरण के लिए, हमारे जो ओरण है रिलीजियस फॉरेस्ट है, एक ओरण को ये संस्था गोद ले ले, एक ओरण को गोद ले ले, वो सीड बैंक है। हमारी जो लोकल स्पीशीज समाप्त हो चुकी है, हमारा घास पौष्टिक समाप्त हो चुका है, उसको हम कैसे बचा सके? हमारी जो वनस्पति समाप्त हो चुकी है, उसको हम कैसे बचा सके? तो एक ओरण गोद ले लीजिए आचार्य भिक्षु के नाम। मुझे बहुत खुशी हुई है आज मेरा, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आज से मेरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। और शायद हो सकता है कि आपके खुशवीर सिंह का कल और किसी मंच पे आपको मिलेगा। आज मेरे हृदय के उद्गार आचार्य श्री भिक्षु के चरणों में नमन करते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। ओम अरिहंत। हमारे विधायक साहब जब बोलते हैं बहुत लंबा बोलते हैं, और भजन संध्या के क्रम को हम आगे बढ़ाए हैं। आपने हमारे जोशीले संगायकों के गीत सुने, ऐसे ऐसे संगायक भी यहां उपस्थित हैं जो अपनी मीठी आवाज से भी आपको प्रभावित करते हैं और भिक्षु भक्ति में बहा करके ले जाते हैं। एक ऐसे ही मधुर आवाज के संगायक मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जो पंजाब और हरियाणा की धरती से आते हैं और जिन्हें अमित सिंघी कहा जाता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं अमित सिंह जी। सिरसा 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 सिरसा। हेलो हेलो। महामना भिक्षु के चरणों में मेरा भक्ति से है बंधन, विराजित मुनिवृंद के चरणों में मेरा बंधन। आइए हम सभी अपने होठों को खोलते हैं और सभी मेरे साथ गाने का प्रयास करें। आप सबका परिचित गीत मैं गाने का प्रयास कर रहा हूं, सभी स्वर मिलाइए। देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में चेत्य पुरुष जग जाए, चेत्य पुरुष जग जाए। देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चेत्य पुरुष जग जाए, चेत्य पुरुष जग जाए। जग जाए ओम जय भिक्षु भिक्षु जय ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं विघ्न शमन ओम व्याधि शमन ओम क्लीं 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 नाम मंत्र तव भय संरोहन सतत अमृत बरसाए,
चेत्य पुरुष जग जाए, चेत्य पुरुष सभी एक साथ, देव तुम्हारा मेरे मन में, चेत्य पुरुष हो, चेत्य पुरुष जग मिटे विषमता, तन की मन की अनुभव की चिंतन की, पल पल पग पग मिले सफलता, तन मयता चेतन की, नाम मंत्र तब भय हर विष हर साम्य सिंधु गहराए, चेत्य पुरुष जग जाए हो, चेत्य पुरुष जग जाए, देव तुम्हारा पुण्य नाम मेरे मन में रम जाए, चेत्य पुरुष